अभी भी निकल के आ रही एक बड़ी खबर, 24 घंटों में दुनिया के 50 देशों में कुल 3,91,000 मरीज जो है बढ़े, लेकिन अकेले भारत में ही 3,92,000 जो नए केस आए, रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा ठीक भी हुए। एक महीने में बात करें भारत में केवल 68 लाख से ज्यादा लोग जो है कोरोना के पॉजिटिव पाए गए, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि इससे पहले 18 लाख का केस एक बार जो है अमेरिका में आया था, और उसके बाद ब्राजील में 18,30,000 के आसपास, तुर्किस्तान में 14 लाख और फ्रांस में 9,21,000। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी तरह से इसमें फेल होती हुई नजर आ रही। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही कि देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पूरे देश में जो है 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस का जो प्रकोप कितना अधिक है इसका अंदाजा लगाना तो इन ताजा आंकड़ों को देखकर सकते हैं। शनिवार को दुनिया के टॉप 50 संक्रमित देशों को मिलाकर 3,91,000 लोग संक्रमित पाए गए थे। बात करें मरने वालों की संख्या में तो हर चौथा भारतीय होता है, यानी कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा अगर नुकसान पूरी दुनिया में किसी देश का हुआ है तो वो है भारत। भारत जहां पहले अपनी वैक्सीन को लेकर काफी ढिंढोरा पीटा, पूरी दुनिया में जो है वैक्सीनेशन का जो है बात किया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारत ने पूरी वैक्सीन को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि हमारे पास वैक्सीन का जो है स्टॉक नहीं है, इसको लेकर भी केंद्र सरकार की कई जगहों पे जो है काफी फटकार लगी। बात करें बीते 24 घंटों के तो 3,92,000 मामले, कुल मौतें हुई 3,684, जो प्रतिदिन एक नया रिकॉर्ड बनाती जा रही। बात करें पिछले 24 घंटों में कुल ठीक होने वालों की संख्या तो 3,08,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक कुल संक्रमित हो चुके की संख्या बताएं तो 1,95,00,000 लोग जो है अभी तक बीमार हो चुके हैं। जी हाँ, और अब तक ठीक होने वालों की संख्या 1,59,000, और मौतों की संख्या की बात करें तो 2,15,000 लोगों ने अपनी जान भारत में सिर्फ कोरोना की चपेट में आने से दी। अभी इलाज करें अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो 33,43,000 लोग अभी भी अपना इलाज कोरोना वायरस से करवा रहे हैं, जिसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार से। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 मई से लेकर अगले 7 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता की कोरोना से मौत हो गई, यह जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर की। बढ़ते कोरोना केस के बाद उड़ीसा में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया। राज्य सरकार ने 5 मई से लेकर 19 मई तक के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की। इसमें हेल्थ वर्कर्स को छूट दी गई। इसके अलावा सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक घर से 500 मीटर दूर जाकर सब्जियां खरीदने को दी है छूट। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने जो है इसकी जानकारी दी। 1 मई से कोरोना की जांच रिपोर्ट जारी की है।